वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस को कवर करेंगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे फिर कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट फिर इसमें क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं किस तरीके से की जाती हैं और फिर एक एग्जाम्पल कवर करेंगे जिसमें ब्रीफली इस कॉन्सेप्ट को हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल की अगर बात करते हैं तो एक हमारा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल तो इसमें जो पैसे इन्वेस्ट किए गए होते हैं या जो इन्वेस्टेड परचेजिंग पावर होती है कैपिटल की उसको नेट एसेट और इक्विटी समझा जाता है कि अगर आपने एक बिज़नेस में टेन मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो टेन मिलियन रुपीज़ आपकी इक्विटी है टेन मिलियन रुपीज़ जो हैं वो आपके नेट एसेट्स हैं या जो टेन मिलियन रुपीज़ की इक्विलेंट परचेजिंग पावर है मोस्ट एंटिटीज़ जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करती हैं और ये कॉन्सेप्ट तब अडॉप्ट करना चाहिए अगर यूजर्स जो हैं वो प्राइमली कंसर्न हों अपनी मेंटेनेंस ऑफ नॉमिनल इन्वेस्टेड कैपिटल के साथ कि भाई जो हमने टेन मिलियन इन्वेस्ट किए थे वो टेन मिलियन के अलावा जो मिलेगा वो प्रॉफिट होगा या परचेजिंग पावर ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल के साथ कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी परचेजिंग पावर मेंटेन हो उससे जो एक्स्ट्रा होगा वो प्रॉफिट कंसीडर होगा इसका एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल में बिज़नेस की ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी को कैपिटल रिकॉर्ड रिगार्ड किया जाता है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी की एंटिटी की यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर डे या पर एनम जो है उनकी कैपेसिटी क्या है एक जो कार मैनुफेक्चरर है तो वो एनुअली कितनी कार्स प्रोड्यूस कर सकता है एक जो टेक्सटाइल मिल है जो विविंग की है तो वो कितने मीटर क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है तो ये तब एडॉप्ट किया जाता है जब यूज़र्स प्राइमली कंसर्न हो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ एंटिटी के साथ फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो है उसके लिए यूजर्स इस बात में ज़्यादा हो सकता है इंटरेस्टेड हों कि वो एंटिटी क्या सेम वॉल्यूम कंटिन्यूली प्रोड्यूस कर सकेगी या सेम वॉल्यूम ऑफ गुड्स को या ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स को देख सकेगी या नहीं फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जब uh, बहुत सारी वैक्सीन्स जो हैं वो मार्केट में आई तो साथ ही ये कॉन्सेप्ट भी आया कि uh, किस कंपनी uh, की जो मेडिसिन कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स हैं उनकी क्या कैपेसिटी है कि वो कितनी वैक्सीन्स प्रोड्यूस कर सकती हैं क्या वो इतनी तेज़ी से वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकती हैं कि उनके रेलिवेंट कंट्रीज़ में या जिन रीजन्स को वो कवर uh, कर रही हैं उन रीजन्स के अंदर वो टाइमली सप्लाई कर सकें सो so, यहाँ पर जो है फिज़िकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल इंपॉटेंट था समटाइम्स और भी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं अपार्ट फ्राम द कोविड नाइन्टीन सिचुएशन जिसमें आप इंटरेस्टेड uh, होते हैं उसकी uh, जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस कंपनीज जो हैं वो कितने जो है एयरक्राफ्ट डिलीवर कर सकती हैं पर एनम अगर ऑर्डर मिल भी जाए तो तो ये चीज़ें फ़िजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल को भी इंपॉर्टेंट बनाती हैं समटाइम्स लेकिन ज़्यादातर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल ही यूज़ होता है अब हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि प्रॉफिट और कैपिटल कैसे रिलेट करता है तो जो चेंज इन इक्विटी की बात हम करते हैं तो दैट इज़ क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी इंक्रीज इन इक्विटी को आप कह सकते हैं कि दैट इज़ आल्सो इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर यानी प्रॉफिट की वजह से हमारी इक्विटी बढ़ जाती है कैपिटल इंट्रोड्यूस की वजह से भी बढ़ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर की वजह से कम हो जाती है डिविडेंस की वजह से तो प्रॉफिट को अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें तो प्रॉफिट इक्वल हो जाता है इंक्रीजिंग इक्विटी माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूसड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर अब एज्यूम करें कि कोई शेयर इशू नहीं हुए और कोई डिविडेंड नहीं दिया तो इन दैट सिचुएशन जितना इक्विटी में इजाफा होगा जितना कैपिटल में इजाफा होगा उतना ही प्रॉफिट होगा तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैपिटल लेते किसको को क्या आप कैपिटल उस अमाउंट को लेते हैं जितने आपने मनी टर्म्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे क्या आप कैपिटल उसको समझते हैं कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे उनकी परचेजिंग पावर मेंटेन हो तो वो कैपिटल है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो कवर करें ना वो तो मिनिमम करें उससे ऊपर होगा तो प्रॉफिट होगा वरना जितना इन्फ्लेशन जितना तो वही पैसे सेम है या आप ये समझते हैं कि अगर फिजिकल कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है तो प्रॉफिट होगा और फिजिकल कैपेसिटी अगर सेम ही है तो देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस और अगर डिक्लाइन हो गई तो दैट तो इज कि प्रॉफिट और कैपिटल में जितना डिपेंड करता है कि आप कैपिटल समझते हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल क्या दैट ब्रिंग्स ऑफ कैपिटल में सिर्फ वो इनफ्लोज ऑफ एसेट्स जो इन एक्सेस ऑफ अमाउंट जो कैपिटल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है उन्हें प्रॉफिट समझा जाता है रिटर्न ऑफ कैपिटल समझा जाता है प्रॉफिट वो रेजल अमाउंट है कि आप अपना जो कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं उसमें जो आपको अमाउंट आई हैं नेट ऑफ एक्सपेंसिस कैपिटल मेंटेनेंस के बाद जो बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा सो वंस अगेन जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है उसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है कि अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट इज ऑंड ऑनली इफ द फाइनेंशियल मनी अमाउंट ऑफ़ द नेट एसेट्स एट द एंड ऑफ पीरियड एक्सिड्स एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड यानी जो अमाउंट आपके पास साल के एंड पर है अगर वो साल के शुरू की अमाउंट से ज़्यादा है फाइनेंशियल अमाउंट मनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन प्रोमोनर यानी शेयर इश्यू और डिविडेंड को इग्नोर कर दें तो, तो वो आपका प्रॉफिट होगा और अगर कम हो गई एंड पे अमाउंट तो वो आपका लॉस होगा अब इसके फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के भी आगे दो सब कॉन्सेप्ट हैं एक में जो मोनिटरी यूनिट्स हैं जो हमारी करेंसी के उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर कर रहे होते हैं नॉमिनल मॉनेटरी यूनिट लेते हैं हम कहते हैं कि जी वो इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट नहीं देना जो परचेजिंग पावर है वो फोकस नहीं है हज़ार रुपए थे और हज़ार रुपए ही हैं अभी तक तो इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस है और हज़ार रुपये से ग्यारह सौ हो गए तो इसका मतलब है हम वन हंड्रेड का प्रॉफिट है दूसरा कॉन्सेप्ट है यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर इसे कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग भी कहा जाता है इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कहते हैं कि मैंने एक बिजनेस में वन थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्ट किए टेन परसेंट तो वैसे ही जनरल इन्फ्लेशन हो गई है तो हज़ार के ग्यारह सौ तो इन्फ्लेशन की वजह से ही हो जाने चाहिए अब अगर एलेवन हंड्रेड तक कुछ आता है तो वो तो कैपिटल मेंटेन हो रहा है एलेवन हंड्रेड से जो ऊपर होगा वो प्रॉफिट होगा फिर एक आ जाता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट इसमें प्रॉफिट सिर्फ तब अन होता है कंसिडर किया जाता है अगर फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड ऑफ ईयर पे एंड ऑफ पीरियड पे बिगनिंग ऑफ पीरियड से ज्यादा है वंस अगेन आपने डिविडेंड और शेयर इशू को एक्सक्लूड करके देखना है इसे करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर करंट कॉस्ट बेसिस ऑफ मेजरमेंट को यूज किया जाता है अब जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी की तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी या वो रिसोर्सेज जो उस कैपेसिटी को अचीव करने के लिए जरूरी हैं ये नहीं है कि भाई एग्जैक्टली exactly आपने जो है ना दो एक प्लांट से एक्स्ट्रा प्लांट लगा लियो अगर आप एक प्लांट लगाया हुआ है और मजीद आपके पास इतना पैसा जमा हो गया है जिससे आप अपनी फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सटेंड कर सकते हैं तो दैट इज आल्सो प्रॉफिट कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है या उस आपकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो गई है सो so, आप इसको यूं कह सकते हैं कि नॉट एग्जैक्टली एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी यू कैन से हम एक्चुअल एंड पोटेंशियल फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी कंबाइंड उसमें अगर इजाफा हुआ है एक्सक्लूडिंग द शेयर इशू एंड डिविडेंड्स तो फिर हम कंसीडर करेंगे कि हमारे प्रॉफिट हुआ तो इन कॉन्सेप्ट को अब इंप्लीमेंट uh, कैसे किया जाता है तो कैपिटल मेंटेनेंस की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कैसे इनकॉर्पोरेट होंगी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस अगर नॉमिनल मॉनेटरी यूनिट्स को यूज कर रहे हो जिसे हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं तो प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है नॉमिनल मनी कैपिटल ओवर द पीरियड वंस अगेन अगर आपने वन uh, थाउजेंड रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए और अब जो आपने आपके पास मोनिट्री अमाउंट्स हैं एसेट्स की वो एलेवन हंड्रेड है तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो गया वन हंड्रेड का अच्छा इस बिज़नेस में ये होता है कि आपके बहुत सारे वो गेंद्स भी प्रॉफिट और लॉस में शो हो रहे होते हैं जो होल्डिंग के गेंद्स होते हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस का गेन नहीं होता आपने एक आइटम खरीदा था तीन महीने पहले आपको सेल करते करते टाइम लग गया इन्फ्लेशन की वजह से रेट्स बढ़ गए हैं तो तीन महीने पहले आपने जो है ना वो आइटम्स हंड्रेड रुपीज़ का ख़रीदा था Uh, अब वो मार्केट में जो है ना एक सौ बीस रुपये का मिल रहा है आपने उसको सेल किया आगे रिटेल के अंदर वन ट्वेंटी फाइव का अब वैसे देखा जाए तो जो मार्केट में एक सौ बीस की चीज़ मिल रही है होल सेल में वो आपने एक सौ पच्चीस में रिटेल में सेल किया तो आपका फाइव रुपीज़ का प्रॉफिट है लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में क्योंकि आपने उस आइटम को अब से कुछ टाइम पहले ख़रीदा था हंड्रेड का तो आप पूरा ट्वेंटी फाइव का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे होंगे हालांकि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो फाइव रुपीज़ है और ट्वेंटी रुपीज का जो गेन आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है वो होल्डिंग गेन है कि आपके पास एसेट पड़ा हुआ था तो उस पर गेन आ गया तो कॉन्सेप्चुअली इस मेथड में तो ये भी प्रॉफिट है आल दो के रिकग्नाइज तभी होता है जब आप डिस्पोज कर रहे होते हैं तो इसमें क्योंकि मोस्टली हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज हो रही होती हैं तो जिस तरह हम रूटीन में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा और कोई एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं होगी लेकिन अगर हम फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में ही कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर के यूनिट्स को यूज़ करें तो अब प्रॉफिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन इन्वेस्टेड परचेजिंग पावर ओवर द पीरियड के मैं हम ये कहते हैं कि जी साल के शुरू में वन थाउजेंड रुपीज से मैं जो चीज़ें खरीद सकता था साल के एंड पर सेम चीजें मैं कितने की खरीद सकता हूँ तो उतने पैसे तो जो है ना कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं उससे ऊपर अगर कोई पैसे आएंगे तो उसमें अगर कोई उससे ऊपर अगर कोई इंक्रीज होगा तो वो प्रॉफिट होगा तो इसमें आप जनरल लेवल ऑफ प्राइस प्राइसिस का जो एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं और उसके बाद उससे एक्स्ट्रा उससे एक्सेस कुछ होता है तो वो प्रॉफिट कंसीडर होता है तो वंस अगेन एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जी हज़ार रुपये अगर हमने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए और टेन परसेंट जनरल इन्फ्लेशन हुई है तो इलेवन हंड्रेड तो वैसे ही बनता है इन्फ्लेशन के साथ अगर हमने अब हमारे पास इलेवन हंड्रेड फिफ्टी है तो हमारा प्रॉफिट वन फिफ्टी नहीं है हमारा प्रॉफिट जस्ट फिफ्टी है हंड्रेड रुपीज़ की हम एडजस्टमेंट कर देंगे कैपिटल मेंटेनेंस एडजस्टमेंट जैसे डेबिट कर देंगे प्रॉफिट और लॉस और इन्फ्लेशन रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे सिंपल लेवल पे फिर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस करंट कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें प्रॉफिट फिजिकल कैपिटल में जो इंक्रीज है उसके चेंज को इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है इसमें स्पेसिफिक प्राइस चेंजेस जो एसेट और लाइबिलिटीज के अंदर हमारी होती हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं उनको मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है तो इसमें भी कैपिटल मेंटेनेंस एडजस्टमेंट की जाती है एज पार्ट ऑफ इक्विटी एंड नॉट एज प्रॉफ़िट कि आप एसेट और लाइबिलिटीज़ के अंदर जो उनकी स्पेसिफ़िक प्राइस में इजाफ़ा हुआ है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसकी वजह से जो गेंद आ रहे होते हैं होल्डिंग गेंद वगैरह तो वो आप इक्विटी में रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट में नहीं करते हैं. तो इसमें भी सिमिलर एडजस्टमेंट होती है प्रॉफिट और लॉस डेबिट इन्फ्लेशन रिजर्व भी कह सकते हैं करंट कॉस्ट रिज़र्व भी कह सकते हैं तो सेम इम्पैक्ट होता है अच्छा अब हम रूटीन में ये देखते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग ही यूज़ कर रहे हैं मे बी नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट बाकी दो बेसिस जो हैं वो बहुत कम यूज़ होती हैं जैसे हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी हो तो ये सेकेंड बेसिस यूज़ हो जाती है और फिज़िकल कैपिटल मेंटेनेंस बहुत ही कम बहुत ही कम कोई एंटिटीज़ यूज़ करते हैं तो ऐसा क्यों है उसकी वजह ये है कि फ़िज़िकल कैपिटल मेंटेनेंस जो है वो बात तो अच्छी लगती है लेकिन इसके लिए हर एसेट का डाटा फाइंड आउट करना मार्केट से लेना करंट कॉस्ट हर एसेट की और लाइबिलिटी की फ़ाइंड आउट करना ये मुश्किल काम है और हम एक बिल्कुल सिंपल सी एग्ज़ाम्पल एग्जाम वगैरह में कम जो है देख रहे होते हैं प्रैक्टिकली हर एसेट की हर डे के हिसाब से इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को इनकॉर्पोरेट करना ये कॉस्ट वाइज भी जस्टिफाइड नहीं होता और प्रैक्टिकली जो है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है इस वजह से जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है यही ज्यादा कॉमनली यूज हो रहा होता है अब इन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं थोड़ा सा ब्रीफली तो एक एग्जाम्पल हम कवर करेंगे एक्स लिमिटेड कमेंस बिजनेस ऑन फर्स्ट जनवरी विद अ सिंगल आइटम ऑफ इन्वेंट्री विच कॉस्ट रुपीज टेन थाउजेंड तो बिजनेस स्टार्ट किया सिंपल टेन थाउजेंड की आपके पास इन्वेंट्री है उस वही आपका इक्विटी और कैपिटल है ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड द आइटम फॉर रुपीज़ फोर्टीन थाउजेंड कैश तो ड्यूरिंग द ईयर जनरल इन्फ्लेशन जो है वो फाइव परसेंट रही है इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू द आइटम जो है वो टेन परसेंट है तो रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट कैपिटल मेन्टेनेंस कॉन्सेप्ट के अंदर तो so, हम एक फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं जिसमें हम तीनों जो कॉन्सेप्ट उनको कंपेरेबल फॉर्म में मैंशन कर लेते हैं सो so, सबसे पहले हम इस ट्रांजेक्शन को इनकॉर्पोरेट करते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग हमारी बैलेंस था वो इन्वेंट्री हमने ली बिजनेस में जो कि हमारी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी था यानी स्टार्ट जहाँ से बिजनेस हुआ साल का शुरू वी हैड टेन थाउजेंड इन्वेंट्री एसेट और टेन थाउजेंड ही हमारी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिकॉर्ड कर देंगे तीनों मैथड में ये सेम रहेगा फिर हमने ड्यूरिंग द ईयर यहाँ है या इयर एंड पर रिज्यूम कर लें तो आपने जो है अपने uh, ये आइटम को सेल किया जब आइटम सेल हुआ तो जो इन्वेंट्री है वो uh, ख़त्म हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी टेन थाउजेंड की तो हमारे पास कैपिटल है और जो इन्वेंट्री थी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई अब हमने सेल कितने की, की है फोर्टीन थाउजेंड की तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा फोर्टीन थाउजेंड का और हमारे पास कैश आ जाएगा फोर्टीन थाउजेंड का जो हम एसेट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं अब यहां तक आप नोटिस करें तो तीनों मेथड में कोई भी फर्क हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया लेकिन अब जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर जनरल इन्फ्लेशन फाइव परसेंट रही है और इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू द आइटम टेन परसेंट रही है तो ओपनिंग इक्विटी के ऊपर ये रेट हम अप्लाई करके एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हमारी फिगर्स में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा जो हमें कंसीडर करना है तो पहली बात तो ये कि जो मनी टर्म्स हैं इसमें तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ये तो ऐसे ही रहेगा तो एडजस्टमेंट अगर हम रिकॉर्ड करते हैं पहले हम करते हैं रियल यानी कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर की बात करेंगे तो फाइव परसेंट रेट टेन थाउजेंड का हमारा ओपनिंग कैपिटल था इस पर फाइव परसेंट हमने लिया फाइव हंड्रेड की हम एडजस्टमेंट कर देंगे क्योंकि फाइव हंड्रेड का तो प्रॉफिट इन्फ्लेशन से ही इफ़ेक्ट हो जाता है कि फाइव हंड्रेड की तो इन्फ्लेशन हो गई है फाइव परसेंट तो दस हजार रुपये के ऊपर पाँच सौ रुपए का तो इन्फ्लेशन की वजह से जनरल इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट आ गया अच्छा इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की यानी करंट कॉस्ट की तो हम कहते हैं जो यूनिट पहले दस हज़ार का लिया था टेन परसेंट उसका रेट बढ़ गया वो अब ग्यारह हजार का आता है तो हज़ार रुपये तो वैसे ही फर्क पड़ गया वन तो थाउजेंड की एडजस्टमेंट आ जाएगी ये एडजस्टमेंट अब हमने इनकॉर्पोरेट करनी है कहाँ इनकॉर्पोरेट करनी है कैपिटल के अंदर प्रॉफिट में से निकाल दी और कैपिटल में डाल दी इन्फ्लेशन रिजर्व के नाम से यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है ये सिर्फ हमारा कैपिटल मेंटेन कर रहा है तो मनी टर्म्स के मुताबिक तो दस हजार इन्वेस्ट किए थे दस हजार ही हैं तो कैपिटल मेंटेन हो गया रियल टर्म्स के मुताबिक कांस्टेंट परचेजिंग पावर के मुताबिक दस हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए थे तो अब दस हजार पाँच सौ होने चाहिए तो कैपिटल मेंटेन होगा दस हजार पाँच सौ से कम पे लॉस होगा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस पे इलेवन थाउजेंड होंगे तो कैपिटल मेंटेन होगा तो ये पॉइंट हमारे कैपिटल मेंटेनेंस को रिप्रेजेंट करता है अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं ये वो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल कंसीडर होगा तो इस प्रॉफिट का इंपैक्ट कहां आएगा प्रॉफिट भी रिटेन बन जाता है तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी टैली होगी लेकिन इंपैक्ट वाइज आप देखें तो कैपिटल मेंटेनेंस की वजह से प्रॉफिट की फिगर पे फर्क आ है हिस्टोरिकल कॉस्ट में हमारा प्रॉफिट फोर थाउजेंड कंसीडर होगा क्योंकि टेन थाउजेंड का हमने इन्वेस्टमेंट की थी फोर्टीन थाउजेंड की वो चीज़ सेल कर दी रियल टर्म्स में हम बात करें तो थर्टी फाइव हंड्रेड का प्रॉफिट कंसीडर होगा क्योंकि फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो इन्फ्लेशन की वजह से ही परचेजिंग पावर के की एडजस्टमेंट है कि पहले जीज़ दस हज़ार की थी वो जनरली हमें मार्केट में जनरली चीज़ें जो हैं वो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की मिलती हैं और स्पेसिफिक आइटम पर चले जाएँ जो आइटम हमने दस हज़ार रुपये का लिया था अब ग्यारह हज़ार रुपये का मिलता है तो हमारे पास वो आइटम चला गया तो हमने जो गेन असल में अर्न किया वो फोर थाउजेंड का नहीं है वन थाउजेंड का तो उस आइटम की वैल्यू भी बढ़ गई है तो हमें जो गेन आया वो असल में थ्री थाउजेंड का आया तो ये प्रॉफिट का डिफरेंस है और इन तीनों मैथड्स को हमने आपके साथ डिस्कस किया वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है कैरी और ये क्वेश्चन बेसिकली फोकस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस पे सो क्वेश्चन का डाटा है कि कैरी स्टार्ट इन बिजनेस ऑन फर्स्ट जनवरी ईयर वन कैरी सोल शेयर होल्डर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ रुपीज़ वन थाउजेंड कैरी परचेज वन आइटम ऑफ इन्वेंट्री फॉर रुपीज़ वन थाउजेंड एंड सोल्ड दैट इन्वेंट्री फॉर कैश ऑफ रुपीज़ फोर्टीन हंड्रेड यानी वन थाउजेंड के कैपिटल से उन्होंने इन्वेंट्री का एक आइटम परचेज किया और उसको फोटीन हंड्रेड में सेल कर दिया एंड ऑफ ईयर पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ़ द सेम आइटम ऑफ इन्वेंट्री जो है वो इलेवन हंड्रेड है यानी उसकी जो करंट कॉस्ट है वो इलेवन हंड्रेड है और जनरल इन्फ्लेशन जो ड्यूरिंग द ईयर रही है वो सेवन परसेंट रही है रिक्वायरमेंट ये है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस जिसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करें यानी मॉनेटरी यूनिट्स को और कांस्टेंट परचेजिंग पावर को रियल टर्म्स में और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस तो आंसर का फॉर्मेट डेवलप करते हैं तो एज अ फर्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो जो कैपिटल आया है बिजनेस में दैट इज वन थाउजेंड और इस कैपिटल से इन्वेंट्री परचेज की गई है लेकिन इन्वेंट्री क्योंकि ए एंड तक सेल हो गई है तो अब वो इन्वेंट्री का एसेट हमारे पास शो नहीं होगा और इन्वेंट्री जब सेल हो जाती है तो उसे एक्सपेंस के तौर पे शो किया जाता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल सेल हमने फोर्टीन हंड्रेड का किया है तो फोर्टीन हंड्रेड का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो जाएगा और सेम अमाउंट क्योंकि कैश पे सेल किया तो कैश में हमें रिसीव हो जाएगी और वो हम एसेट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे इसके बाद हमारा इशू आता है कि अब हमने एडजस्टमेंट्स करनी है तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट तो इसके अंदर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी कांस्टेंट परचेजिंग पावर को अगर फोकस करते हैं तो सेवन परसेंट का जनरल इन्फ्लेशन रहे तो वन थाउजेंड की जो हमारी ओपनिंग इक्विटी है उस पर सेवन परसेंट हम लगाते हैं तो सेवनटी का हम समझते हैं कि सेवनटी की अमाउंट तो वैसे ही इंक्रीज़ हो जानी चाहिए थी क्योंकि इतनी तो इन्फ्लेशन हो गई है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हम सेवेंटी से कम कर देते हैं और इसी तरीके से जो अगर हम फिज़िकल कैपिटल मेंटेनेंस की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि करंट कॉस्ट उस आइटम की एलेवन हंड्रेड है तो अब अगर वैसे ही इन्वेंट्री हम हासिल करें तो हम इलेवन हंड्रेड में मिलेगी तो वन हंड्रेड का जो इम्पैक्ट है वो तो करंट uh, कॉस्ट की एडजस्टमेंट के अंदर चला जाना चाहिए तो वन हंड्रेड का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर आएगा यहाँ हम वन थाउजेंड लेंगे दैन uh, जो हमारा प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन इन इन्फ्लेशन रिजर्व के तौर पर रिकॉर्ड होगा ये सेवेंटी और हंड्रेड इसे इन्फ्लेशन रिजर्व और करंट कॉस्ट रिजर्व भी कह दिया जाता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सो so, तीनों कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारा प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है ड्यू टू द एडजस्टमेंट्स और वो प्रॉफिट हमारी इक्विटी में ऐड हो जाएगा रिटेन प्रॉफिट और हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन टैली हो जाएगी लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर ये बिज़नेस फोर हंड्रेड का डिविडेंड पे कर सकता है और सी पी पी फॉलो करेगा तो थ्री थर्टी का डिविडेंड पे कर सकता है क्योंकि कैपिटल मेंटेन करने के लिए 1017 को अपने पास रखने और फिज़िकल कैपिटल मेंटेन करने के लिए एलेवन हंड्रेड उन्हें अपने पास रखने हैं ताकि दोबारा वैसी इन्वेंट्री हासिल करके बिजनेस की कैपेसिटी मेंटेन कर सकें और जो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ये डिविडेंड की वो सिर्फ थ्री हंड्रेड की कर सकते हैं सो so ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के साथ हमारा कवर हो जाता है वेलकम टू ए कैंपस आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ फाइव फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन और इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट और हमारा कॉन्टेंट है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि 2019 एडिशन के चैप्टर वन से लिए गए हैं और मैं हूं आपका तो फैसिलिटेटर चलते हैं तो पहला क्वेश्चन है अब यहां पे जो से मुराद है वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और उनके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो जो मेयरमेंट बेसिस मेंशन की गई हैं वो कौन कौन सी हैं तो हमारा जो फोकस है वो मेजरमेंट बेसिस पर है तो ऑप्शन ए को देखें तो करंट uh, कॉस्ट जो है दैट इज वन ऑफ द बेसिस जो गिवन है रेजिडुअल वैल्यू जो है वो नहीं गिवन तो ये गलत हो जाता है सेकेंड में अगर हम देखते हैं तो करंट कॉस्ट यस हिस्टोरिकल कॉस्ट यस फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू तो बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो इसमें फ्यूचर वैल्यू इनकरेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन के अंदर फ्यूचर वैल्यू और residual value का जो 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 है 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 ये हैं हैं इस वजह से वो वो होगा और बाकी होंगे तो next question की तरफ चलते हैं। Second question है कि मनी टर्म्स uh, को और क्या कहा जाता है तो यहां पर तीन जो हमारी मेजरमेंट बेसिस हैं कैपिटल मेंटेनेंस की वो मेंशन है और एक फेयर वैल्यू अकाउंटिंग भी ऑप्शन में मौजूद है लेकिन ये तो कोई कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है इसी को फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कहते हैं मनी टर्म्स तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो तो ऑप्शन ए में ही हमें मिल जाती है कि ये करेक्ट है अगर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस होती है और कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस तो होती है लेकिन उसमें मनी टर्म्स यूज नहीं होती उसमें रियल टर्म्स यूज होती हैं तो रियल पावर ऑफ परचेजिंग पावर को फोकस करके कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग की जाती है तो इस वजह से इसमें जो एल्फा ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैयर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी तो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो तभी ये समझा जाता है कि आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो दैट कॉन्सेप्ट इज फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और इसको करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं बल्कि ये कहना चाहिए कि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की बेस पर जो अकाउंटिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड करंट कॉस्ट अकाउंटिंग तो इसमें भी जो हमारा आंसर है वो अल्फा है तो बाकी जो बेसिस यहाँ पर मेंशन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का तो इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है गोइंग कंसर्न जो है वो प्रॉफिट को मैयर करने के लिए कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है और जो बाकी दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर इरेलीवेंट हैं क्योंकि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट हैं जिसमें से हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मनी टर्म्स में वैल्यू करता है और जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इट है उसके दो टाइप्स हो सकती हैं मनी टर्म्स और रियल टर्म्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट इन टाइम ऑफ राइजिंग प्राइसेस तो जब इन्फ्लेशन हो रही होगी तो कौन सी बात इसमें से ठीक है अब अंडरस्टैंड ये करना है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में होता ये है कि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी पुरानी कॉस्ट पर एक एसेट को रिकॉर्ड किया होता है तो हमारे वक्त के साथ रेट बढ़ रहे हैं तो अब एसेट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो चुके हैं महंगे हो चुके हैं उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं लेकिन हमारी बुक्स में जो एसेट है वो अभी पुरानी वैल्यू पर शोर है तो हमारा एसेट जो है वो अंडरस्टेट हो रहा होगा अच्छा फिर क्योंकि एसेट पुरानी वैल्यू पर शोर है जो कि कम है क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम्स हैं तो इन्फ्लेशन के टाइम में अब वैल्यूज़ ज़्यादा हो रही हैं और पहले वैल्यूज़ कम थी तो जब एसेट की वैल्यू कम है तो उस पर कैलकुलेट होने वाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कम होगा जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहे होंगे तो अंडरस्टैंड अगर करें हम तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कि प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज लोअर होता है और एसेट क्योंकि कम वैल्यू पर शो हो रहे होते हैं आज के मुकाबले में करंट कॉस्ट के मुकाबले में तो एसेट अंडरस्टेट हो रहे होते हैं तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एसेट अंडरस्टेट हो रहे होते हैं ओवर स्टेट नहीं हो रहे होते तो ये बात गलत हो जाएगी अनरेकग्नाइज गेम्स विल भी रिकॉर्डेड इनकरेक्टली तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में ये नहीं है कि आप कोई गेम्स जो है वो इनकरेक्टली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है और डेप्रिसिएशन विल भी ओवर स्टेटेड डेप्रिसिएशन ओवर स्टेटेड नहीं होगी डेप्रिसिएशन तो अंडर स्टेटेड होगी क्योंकि जब एसेट कम होगा तो उस पर कैलकुलेट होने वाली डेप्रिसिएशन भी कम होगी तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो ट्रू स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ फर्स्ट uh, वन है तो ऑप्शन ए वुड बी order for ऑफ element टू बी रेकनाइज विद इन financial स्टेटमेंट तो so, यहां पर हमारे पास जो है वो पांच एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन uh, दी हुई है और हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन सा क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है एक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेकोग्नाइज करने के लिए तो फर्स्ट वन है के जी इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये क्राइटेरिया तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू और फ्रॉम द एंटिटी बिल्कुल जी ये भी एक है कि एसेट्स होंगे तो फ्यूचर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए लाइबिलिटीज होंगी तो फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है इनकम में इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेंसिज में डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट तो ये क्राइटेरिया भी रिक्वायरमेंट है थर्ड है इट इज सर्टन स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट सर्टन की नहीं है प्रोबेबल की है और इस वजह से ये जो थर्ड रिक्वायरमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाती है फोर्थ है द आइटम हैज़ अ कॉस्ट और वैल्यू बिल्कुल जी कॉस्ट और वैल्यू होनी चाहिए लेकिन अगला आइटम भी सेम है द आइटम हैज़ अ कॉस्ट और वैल्यू दैट कैन बी रिलायबली मईर्ड जी रिलायबल मईरमेंट भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर कॉस्ट और वैल्यू या वो रिलायबली मैयर नहीं हो सकती तो वो इनफ नहीं है तो हमारे पास जो ऑप्शन इसमें से स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं वो हैं वन टू एंड फाइव

तो फर्स्ट वन है कि जी टू असिस्ट द बोर्ड इन प्रिपेयरिंग एंड एंड रिव्यू ऑफ आई एफ आर एस स्टैंडर्ड तो ये तो बिल्कुल वन ऑफ द पर्पज़ है तो हमें तो वो बताना है जो ना हो टू असिस्ट ऑडिटर्स इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन वेदर फाइनशियल स्टेटमेंट कम्प्लाई विद आई एफ आर एस स्टैंडर्ड बिल्कुल जी ये फ्रेमवर्क इसमें भी हेल्प करता है ऑडिटर्स को कि वो देखते हैं कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं या नहीं तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द दर्पज़ to assist in determining the treatment of items not covered by an existing IFRS standard. तो recognition के बारे में, measurement के बारे में, जो है वो इसमें presentation के बारे में भी even guidance मौजूद है. तो conceptual framework का purpose ये भी है. Last one है कि to be authoritative. अब standard जो हैं वो authoritative नहीं होते. और conceptual framework तो बिल्कुल भी authoritative नहीं है. बल्कि in fact requirement ये है कि टू बी अथॉरिटेटिव वेयर अ स्पेसिफिक आई एफ आर एस स्टैंडर्ड कन्फ्लिक्ट विद द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो ये बात उल्टा गलत हो जाती है क्योंकि आई एफ आर एस स्टैंडर्ड और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में अगर कन्फ्लिक्ट हो तो आई एफ आर एस स्टैंडर्ड को प्रेफरेंस दी जाती है और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को वहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है तो नॉट का क्राइटेरिया मीट कर रही है ये हमारा आंसर होगा Which of the following items should be recognized as an asset in the Statement of Financial Statement of an Entity? In this, the first statement ke, a skilled and efficient workforce which has been very expensive to train तो आपने ट्रेनिंग की है अपनी वर्क फोर्स की बहुत ज्यादा कॉस्ट उस पर लगी है और सम ऑफ दी स्टाफ इज स्टिल एंटिटी, तो क्या इसको एसेट के तौर पर रेकग्नाइज कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते करना चाहें भी तो और रीजन है लैक ऑफ कंट्रोल तो इसको रेकग्नाइज नहीं किया जा सकता दूसरा है ईयर विच इज ड्यू टू कमेंस शॉर्टली आफ्टर द ईयर एंड तो ये भी आपका देखें आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इट इज़ अ गुड पोटेंशियल फॉर द बिजनेस के जी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक साइंड है और आपके पास बिजनेस है फ्यूचर में लेकिन आपने अभी तक उसको शुरू नहीं किया और शुरू नहीं किया तो अभी तक आपके कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right राइज नहीं हुए जिससे आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स आना जो है वो प्रोबेबल हो चुके हों तो ये भी आप रेकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आपके पास कोई राइट्स नहीं है थर्ड है अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू द परचेज़ ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट सेवरल ईयर्स अगो विच हैज़ अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ़ फोर ईयर्स तो गवर्नमेंट ग्रांट को ओवर द पीरियड इनकम बनाया जाता है और जितनी अमाउंट आपने इनकम नहीं बनाई होती उसको आप ट्रीट करते हैं एज डेफर्ड इनकम तो इसमें तो एसेट की कोई सिचुएशन अराइज नहीं हो रही और एक डेफर्ड इनकम रेकग्नाइज होगी या जो एवरी ईयर आप अमोर्टाइज कर रहे होंगे तो उसको आप प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर रहे होंगे नेक्स्ट है रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर विच हैज़ बीन सोल्ड थ्रू फैक्टरिंग फैक्टरिंग में एक एजेंट को हम दे देते हैं कि वो हमारे ब्याह पे कलेक्ट कर ले। लेकिन आपने दिया जी एक फाइनेंस कंपनी को तो फाइनेंस कंपनी को अक्सर रिसीवेबल कलेक्शन के लिए देने का मकसद कलेक्शन नहीं होता बल्कि कुछ अरसे के लिए उस पर लोन लेना होता है द फाइनेंस कंपनी हैज़ फुल रिकोर्स यानी वो हमें वापस भी कर सकती है वो डेट फॉर एनी लॉसेज तो रिस्क एंड रिवार्ड तो अभी भी हमारा ही है यानी अगर उस रिसीवेबल से पैसे फाइनेंस कंपनी को ना मिले तो फाइनेंस कंपनी हमें वापस कर देगी और हमसे पैसे ले लेगी तो रिस्क फाइनेंस कंपनी को तो ना हुआ रिस्क तो अभी भी हमारा हुआ तो रिस्क एंड रिवार्ड अभी भी हमारे हैं और रिस्क एंड रिवार्ड हमारे हैं मतलब के कंट्रोल भी हमारा है और जब कंट्रोल हमारा है तो इसका मतलब है रिसीवेबल हमारा एसेट है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेकग्नाइज रहना चाहिए जी क्वेश्चन एट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म डज नॉट अप्लाई टू हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस तो जब इन्फ्लेशन हो रही होती है तो अक्सर ये क्रिटिसिज्म होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट पे कि वो रेलिवेंट नहीं है वो पुरानी फिगर्स को शो कर रही हैं तो क्रिटिसिज्म और भी हैं तो उसमें से क्या क्रिटिसिज्म ऐसा है जो आ, हम इसमें देख सकते हैं कि रेलिवेंट नहीं है सो दे कंटेन मिक्स्ड वैल्यूज सम आइटम्स आर एट करंट वैल्यूज सम आर आउट ऑफ डेट हाँ जो आपने रिसेंटली चीज़ें परचेज़ की होंगी वो करंट वैल्यूज़ पर होंगी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो पुरानी होंगी तो ये तो आर्गूमेंट सही है और हमें वो बताना है जो आर्गूमेंट सही नहीं है दे आर डिफ़िकल्ट टू वेरीफ़ाई ट्रांजेक्शन कुड हैव हैपन मैनीयर्स अगो ये तो यह एक गलत बात है क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट का मतलब है कि ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है और उसकी मयरमेंट आप वेरीफाई कर सकते हैं कुछ साल पहले हुई हो रिसेंटली हुई हो लेकिन वो क्योंकि पास्ट में हुआ हुआ इवेंट है तो उसकी वेरिफिकेशन पॉसिबल होती है एज कम्पेयर टू करंट कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ पर आप के पास जो वैल्यूज होती हैं वो एस्टिमेटेड होती हैं और उनकी वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती एट टाइम अंडरस्टेट हो जाते हैं ऐसा बिल्कुल क्योंकि करंट वैल्यूज बढ़ चुकी होती हैं और डेप्रिसिएशन लो होने की वजह से प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाते हैं तो ये भी एक सही क्रिटिसिज्म है द ओवर स्टेट गेयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन तो गेयरिंग बिल्कुल ओवर हो जाती है वो इस तरह से हो जाती है कि आपके जो टोटल एसेट्स हैं क्योंकि वो अंडर हो रहे होते हैं तो जो लाइबिलिटी का प्रोपोर्शन है टूअर्ड्स द एसेट्स वो फिर ज़रा ज़्यादा शो होता है और जब वो ज़्यादा शो होता है तो उसका मतलब है कि आपकी जो गेयरिंग है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है और इस वजह से जो ये भी एक प्रॉपर uh, क्रिटिसिज्म है तो जो प्रॉपर क्रिटिसिज्म नहीं है दैट इज़ ऑप्शन बी और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स इज़ आल्सो रेफर टू एज अब हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये भी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस ही होती है लेकिन ये मनी टर्म्स होती है तो ये हमारा आंसर नहीं है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस होती है ये भी हमारा आंसर नहीं है कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर जो है दैट इज़ फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और रियल टर्म्स में ही होती है तो यही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की सो दैट्स आर आंसर नेक्स्ट है जी के फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस बताएं वंस अगेन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है मनी टर्म्स करंट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है दैट इज़ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस दैट इज आवर आंसर और कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग जो है दैट इज़ फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इन रियल टर्म्स तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग तो कोई कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन इलेवन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नो एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती और यही हमारा आंसर है कंपैरिजन के तौर पर अगर हम डिस्कस कर लें तो जो कांस्टेंट परचेजिंग पावर मेथड है उसके अंदर हम जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में जिसे करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहा जाता है उसके अंदर हम स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं और फेयर वैल्यू अकाउंटिंग वंस अगेन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कैपिटल uh, मेंटेनेंस का तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट नेक्स्ट चलते हैं इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज मेड ऑन जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो फाइनेंशियल के मनी टर्म्स होती है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होती रियल टर्म्स पर होती है तो आप जर्नल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कर रहे होते हैं सो दैट इज आर ऑप्शन फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में जो होता है वो भी एडजस्टमेंट होती है लेकिन स्पेसिफिक रेट पर हो रही होती है वंस अगेन फिर वैल्यू अकाउंटिंग इज नॉट इवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज मेड ऑन स्पेसिफिक रेट तो सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मनी टर्म्स में जब फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस हो तो इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती रियल टर्म्स में हो तो जर्नल होती है और स्पेसिफिक रेट पर होती है जब फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस हो तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इज नॉट अ कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस चाहे मनी टर्म हो चाहे रियल टर्म्स हो तो वो किसके लिए मोस्ट रेलिवेंट है जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है वो फोकस करती है फाइनेंस पर पैसों पर और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस फोकस करती है आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी पर तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इस बात में इंटरेस्ट नहीं होता कि आपकी कैपेसिटी क्या है आपका प्लांट कैसा है उसको कितना आउटपुट दे सकता है वो तो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न में भी वो पैसों में इंटरेस्टेड होते हैं तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वेस्टर्स के लिए मोस्ट रेलिवेंट होता है और यही हमारा आंसर होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब है जी फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस तो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस किसके लिए मोस्ट एलिमेंट होता है तो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस उन लोगों के लिए क्योंकि इसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी को फोकस किया जाता है तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को फोकस जब करते हैं तो जो लोग उस प्रोडक्टिव कैपेसिटी के साथ उस फिजिकल कैपेसिटी के साथ काम कर रहे होते हैं जिन्होंने उस पर डिसीजन मेकिंग करनी होती है जिस जिन्होंने उसकी बेस पर बिजनेस को आगे लेकर चलना होता है जिनका कैरियर और जो वर्क है वो उससे रिलेट कर रहा होता है तो वो उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो मैनेजमेंट और इंप्लाइज जो हैं उनका डायरेक्ट लिंक होता है विद द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट इज मोर रेलिवेंट टू देम एज कंपेयर टू इन्वेस्टर्स तो ऑप्शन बी वुड बी तो जी अब चलते हैं uh, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कैलकुलेशन हैं हमारे पास तो पढ़ते हैं जी एन एंटिटी मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज थ्री फिफ्टी थाउजेंड फॉर द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इट हैड ओपनिंग कैपिटल ऑफ रुपीज़ वन मिलियन फाइन स्पेसिफिक प्राइस इंडेसेज इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर बाई ट्वेंटी परसेंट एंड जनरल प्राइस इंडेसेज बाई फाइव परसेंट हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर टू थाउजेंड नाइनटीन अंडर मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंस कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग अब हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाए तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं तो ये दोनों जो रेट्स हैं वो हमारे लिए इरेलीवेंट हो जाते हैं तो नो एडजस्टमेंट इज नीडेड तो जो प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है वो ही आपका आंसर है नेक्स्ट में है कि एक एंटिटी ने थ्री फिफ्टी थाउजेंड का प्रॉफिट अर्न किया टू थाउजेंड नाइनटीन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल जो है वो वन मिलियन है स्पेसिफिक प्राइस इन इंक्रीज्ड इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर बाई ट्वेंटी परसेंट और जनरल प्राइस इन दिस फाइव परसेंट क्या प्रॉफिट रिकॉर्ड होना चाहिए फॉर टू थाउजेंड नाइनटीन अंडर रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन अच्छा रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब है कि हम जनरल प्राइस इंडेसिस को यूज करेंगे स्पेसिफिक का इसमें यूजेज नहीं होगा अब कैलकुलेशन अगर करते हैं प्रॉफिट जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में दैट इज थ्री फिफ्टी थाउजेंड और एडजस्टमेंट क्या होगी एडजस्टमेंट ये होगी कि जो आपका एसेट थे वो फाइव परसेंट जो है उन्होंने अपनी वैल्यू रिड्यूस कर दी है क्योंकि महंगाई हो गई है तो आपके जो ओपनिंग uh, कैपिटल है वो फाइव परसेंट से अपनी वैल्यू जो है वो डिक्लाइन कर चुका है तो वन मिलियन ये यहाँ से आपने लिया और क्योंकि रियल कैपिटल मेंटेनेंस है तो जनरल प्राइस इंडेसिस यूज़ करने ये फाइव परसेंट आपने यहाँ से इनकॉर्पोरेट किया सो दैट इज फिफ्टी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड की एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट बनता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एंटिटी मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज थ्री फिफ्टी थाउजेंड टू थाउजेंड नाइनटीन में और हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल वन मिलियन का है. स्पेसिफिक प्राइस इंडेसेज जो हैं वो ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज़ हुए हैं जनरल प्राइस इंडेसेज फाइव परसेंट से इंक्रीज हुए हैं कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहिए टू थाउजेंड नाइनटीन में अगर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट अब हमारे लिए जनरल प्राइस इंडेसेज जो हैं वो रेलिवेंट नहीं है और स्पेसिफिक प्राइस इंडेसेस को हमें यूज़ करना है तो सिमिलर फैशन में हम एक कैलकुलेशन कर लेंगे सिंपल सी दैट इज़ के हम कहेंगे कि जी प्रॉफिट अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था तो दैट इज़ गिवन एज थ्री फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पे उसके बाद हमें एडजस्टमेंट करनी है तो हम ये कहते हैं कि जी जो इन्वेस्टमेंट थी आपके इस बिजनेस में उसने ओवर द ईयर ट्वेंटी परसेंट अपनी वैल्यू लूज़ कर ली है तो जो एडजस्टमेंट होगी दैट इज़ वन मिलियन इंटू ट्वेंटी परसेंट वन मिलियन की फिगर हमने यहाँ से ली ट्वेंटी परसेंट के डाटा यहाँ से आया तो टू हंड्रेड थाउजेंड से हमारी वैल्यू जो है वो हमारे एसेट्स लूज कर गए और इस वजह से जो हमारा रियल प्रॉफिट है वो थ्री फिफ्टी थाउजेंड नहीं है दैट इज़ जस्ट फिफ्टी थाउजेंड और ये हमारा आंसर होना चाहिए so, इसे करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस भी कहते हैं एन एन एंटिटी एक्वायर्ड आइटम ऑफ मेंस्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेल्व एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड थाउजेंड इट इज बींग एप्रिशिएटेड ओवर फाइव इन यूजिंग स्टेट लाइन एप्रीसीमेटेड रेजिडल वैल्यू ऑफ टेन परसेंट ऑफ इस हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कास्ट एट थर्टी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोटीन ये टाइम पीरियड जरा देखें कि टू ईयर्स गुजर चुके हैं द मैनुफैक्चर ऑफ द प्लांट स्टिल मेक्स द सेम आइटम ऑफ प्लांट एंड इट्स करंट प्राइस सिक्स हंड्रेड थाउजेंड यह उसकी करंट कास्ट है अगर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करेंगे अगर आप हिस्टोरिकल कास्ट अकाउंटिंग यूज करेंगे तो फाइव लैख और करंट कास्ट अकाउंटिंग यूज करेंगे तो सिक्स लैख वट इज़ द करेक्ट कैरिंग अमाउंट टू बी शोन इन द स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन एज एट थर्टी सेप्टेंबर टू थाउजेंड फोर्टीन वही टू ईयर्स का इम्पैक्ट है और हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट अब हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली वही अकाउंटिंग है जो हम रूटीन में फॉलो कर रहे होते हैं सो नो कॉन्सेप्ट इज एट डिफरेंट हयर सो हम स्टार्ट करते हैं जी फाइव लैख जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन लेस करनी है अच्छा इसमें से टेन परसेंट फाइव लैक का टेन परसेंट निकालेंगे तो दैट इज़ फिफ्टी थाउजेंड रेजिडल वैल्यू लेस की और फाइव ईयर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी दैट वुड बी नाइन्टी थाउजेंड स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन होगी दो सालों की डेप्रिसिएशन हो जाएगी नाइनटी प्लस नाइन्टी वन एटी थाउजेंड और जो एसेट हमारे पास बचेगा वो बचेगा थ्री ट्वेंटी थाउजेंड तो अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये एसेट पे शो होना चाहिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एन एंटिटी एक्वायर्ड एन आइटम ऑफ प्लांट ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेल्व फाइव हंड्रेड थाउजेंड ये हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है इट इज बीइंग एप्रिशिएट ओवर फाइव इज यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड एस्टिमेटेड एज वैल्यू ऑफ टेन परसेंट ऑफ इट हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट एज अप्रोप्रिएट थर्टियथ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड को मैनुफेक्चर अभी तक वैसा प्लांट बना रहा है और करंट प्राइस जो है वो सिक्स है ये अगर हम करंट कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ करेंगे तो वहाँ इस्तेमाल होगा करेक्ट कैरिंग अमाउंट बतानी है जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में शो ऑन थर्टी सितंबर वंस अगेन ये टू इयर्स का टाइम पीरियड है और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करना है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करना है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए रेलीवेंट है करंट कॉस्ट सिक्स लैख और अब हमें जो चार्ज करनी होगी वो भी सिक्स हंड्रेड थाउजेंड की बेस पे करनी होगी सिक्स हंड्रेड थाउजेंड का टेन परसेंट जो बनता है दैट इज सिक्सटी थाउजेंड और फाइव इयर्स की लाइफ है तो एक साल की जो डेपिसिएशन हमारे पास इसमें बनेगी फाइव फोर्टी थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव दैट वुड बी वन जीरो एट थाउजेंड तो टू इयर्स हो चुके हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो नेक्स्ट ईयर भी सेम डेप्रिसिएशन होगी वन जीरो एट थाउजेंड और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग हो तो हमारा एसेट जो है वो शो होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन जो कैरिंग अमाउंट है थ्री एटी फोर थाउजेंड तो जी ये हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर वन से दैट्स ऑल फॉर द डे Have a good day.